लव जिहादी पत्रकार का हुआ भांडाफोड़। किस तरह एक लड़की को शादी का झांसा देकर करा शारीरिक शोषण। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा का मामला। बजरंग दल प्रांतीय संयोजक राव उदय प्रताप सिंह व समाज से शैलेंद्र जैन और अपने सभी मित्रगणों के साथ थाना गाडरवारा पहुंचकर FIR दर्ज कराई। ऐसे लोग किस तरह समाज में हिंदू महिलाओं को किस तरह बना रहे अपना शिकार। लव जिहाद का नरसिंहपुर जिले का ये बड़ा मामला। पीड़िता ने नगर पत्रकार संघ के पत्रकार मकसूद खान पर लगाए सनसनीखेज आरोप। पुलिस ने छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता ने थाने आकर शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने पीड़ित लड़की को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने, नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने तथा और भी मुस्लिम रीति रिवाजों को अपनाने के लिए बोला और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी की गई। इन आरोपों के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो बहुत लोगों तक जाननी चाहिए और उनको जाननी भी चाहिए, इसलिए एक निवेदन है कि एक कॉन्फ्रेंस जरूर करवा दीजिए। जिन पर मैंने आज उंगली उठाई है कल वो मुझ पर कई आक्षेप भी लगाए। नहीं, ऐसा हम लोग सुनने में आया, कुछ इल्जाम वगैरह यहाँ पे, तो ये जी हाँ, हम लोग इसीलिए आए थे कि सच्चाई आना चाहिए लोगों को। जी हाँ, इसीलिए मैं कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती हूँ। जो भी मेरी लाइफ का डिटेल है मैं सबके सामने पूरा रखना चाहती हूँ। यहाँ तो केवल एक धारा लगाई गई है, एक घटना उन्होंने मेंशन की है, लेकिन इस घटना के अतिरिक्त भी मकसूद खान जी और मेरा 5 महीने का संपर्क परिचय है। उस परिचय का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया, गलत रूप में उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया और बाद में उनका चरित्र जिस रूप में सामने आया, ये सारी बातें लोगों तक आनी चाहिए। नहीं तो अभी भी मेरी सच्चाई लोगों तक पूरी तरह से नहीं आई। उनका परिवार कुछ और कहेगा, मैं कुछ और कहूँगी और एक छोटी सी FIR उस पूरी घटना को कभी स्पष्ट रूप से लोगों तक नहीं पहुँचा पाएगी, जो सब तक पहुँचना ज़रूरी है। जो आपके साथ गलत हुआ आप ये मानते हैं ना? बिल्कुल गलत हुआ। मुझे भावनात्मक रूप से ठगा गया, मेरी जज्बातों को धोखा दिया गया और उसके बाद मेरी माँ को तक भावनात्मक रूप से छलता रहा कोई व्यक्ति। मेरे घर आने जाने का अधिकार मिल गया अपनत्व के नाते। विवाहित होने के बाद भी ये सत्यता बहुत लंबे समय तक उन्होंने मुझसे छुपाई है, यदि उन्हीं के मुँह से ये सच बाद में सामने आया, लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल तक मेरी माँ का विश्वास उस इंसान ने जीत लिया और उसके बाद भी कदम पीछे नहीं हटा है। फिर भी यही विश्वास जताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस रिश्ते को आगे तक निभाना चाहता हूँ। किन भावनाओं को आपको देने की कोशिश की गई? वो मुझसे प्यार करते, उन्होंने इस बात का इजहार किया, मेरे अच्छे मित्र थे, मैंने ससम्मान उस बात को स्वीकार किया और उनको दूसरे दिन अपने घर बुलाया कि घर आए तो मैं उन्हें समझाऊँ। घर आए, मैंने थोड़ी बहुत बात भी की कि आप मेरे अच्छे मित्र। उसके बाद एक बार और घर आए, क्योंकि उन्होंने एक जिद पकड़ी हुई थी, शर्त लगाई थी चाय की, जो लंबी बात है मैं बाद में बताऊँ। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा, लेकिन इस बीच वो मेरे घर आते गए, मेरी माताजी भी उनसे प्रभावित हुई। आपको ये मालूम था कि वो अन्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? इंसानियत से बड़ा कोई समुदाय आज तक जाना ना सीखा, अब जाना कि एक सबसे बड़ा समुदाय होता है झूठ। नहीं, आपको बताया था, किसी भी जाति धर्म वर्ग के अंदर मौजूद हो सकता है, उन्होंने बताया था, मैं उनका नाम बहुत अच्छे से जानती थी। आपके पास आपके साथ में किसी प्रकार का कोई शारीरिक शोषण वगैरह? 15 तारीख की दुर्घटना हुआ है आपके साथ, शारीरिक शोषण आपके साथ हुआ है, अटेम्प्ट टू रेप, उसकी आपने FIR दर्ज कराई है? उसी की FIR दर्ज कराई है।